बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 साल का एक नौजवान जिसकी वीडियो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि वो अपने माइयों का पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है और उसकी तकरीबात हो रही है और शादी अभी वलीमे को दो दिन ही गुजरे थे कि उसके घर के बाहर उसकी माँ से जेवर छीन रहे थे। उसने दरवाजा खोला, जो शख्स स्नैचिंग कर रहा था उसने गोली मारी, गोली यहां से लगी और यहां से बाहर निकली और उस लड़के की डेथ हो गई। लव मैरिज थी उसकी, पूरी फैमिली खुश थी और एक खुशियों का माहौल था। बहन अमेरिका से शिरकत करने आई थी, अभी घर के अंदर से वो फूल भी नहीं उतरे थे जो उसकी शादी के लिए सजाए गए थे, जो उसकी सेज बनी थी, और उसका जनाजा उसी घर से आज निकला है। यहाँ पर अभी दफनाकर वापस पहुंचे हैं, अहले मोहल्ला भी गमगीन है। सिर्फ इतनी सी बात है, खुदा के वास्ते हुक्मरान ये देख लें, ये स्नैचिंग, ये मोबाइल डकैतियां, ये इतना क्यों बढ़ रही है चोरियां, लोगों के प्यारे बच्चे उनके जवान मर रहे हैं। कितनी दुख की बात थी, जिस घर में वो बेचारा बच्चा, वो नौजवान, आज से 4 दिन पहले वो नौजवान इस बात पर डिस्कस था कि मेरी बारात वाले दिन बारिश हो गई है, मैंने अरेंजमेंट इतने बड़े किए हैं और उसको पता ही नहीं था कि इस अरेंजमेंट के 3 दिन बाद उसको कोई शख्स आएगा, उसकी माँ के हाथ से जेवर छीनेगा और उसके गले पे गोली मार के चला जाएगा और वो मर जाएगा। इनके एसोसिएशन के लोग भी मौजूद हैं, हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते रोजगार के जराए बनाए, स्नैचिंग रुकवाएं, चोरी डकैती रुकवाएं, लोगों के प्यारे मर रहे हैं। क्या बोलेंगे भाई आप? ये बच्चा जो है बहुत ओबीडियंट था और माशाल्लाह जैसा कि भाई ने बताया इसकी शादी हुई 2-3 दिन पहले और नहायत ही नेक कुरान हाफिज भी था और बहन और माँ के जेवर छीने जाने को बर्दाश्त ना कर सकने को रोकने पे इसको गोली मार दी गई। इसके घर में एक कहर का समा है और घूमते वक्त जो है वो कहाँ है कहीं नजर नहीं आ रही। भाई ये हमारी मार्केट में इतना मतलब अच्छा बच्चा था, इसका जो नुकसान हुआ है वो हम पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर सकते। मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है, खुदा के लिए आ जाए भाई, लोगों को इस तरह ना छोड़े रोडों पर, लोग मर रहे हैं, कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट अपने घरों में बैठी हुई है। लेकिन फिर गुजारिश करेंगे, हुकूमत से गुजारिश करेंगे, खुदा के वास्ते मैं फिर अपील करूंगा, देखें क्यों रोडों में किसी के हाथ से मोबाइल छीन जाते हैं, जेवर छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि औरतों के हाथ से चूड़ियां उतार ली जाएं, कान से बुंदे छीन ले जाएं, दूसरे मुल्कों में सुनते थे। अगर आज ये नौबत यहां पर आ गई और एक चूड़ी छीनने के लिए आप किसी के जवान बेटे को जो एक दिन पहले दूल्हा बना था गोली मार के चले जाएं तो कितनी बड़ी कयामत है, कोई अपने ऊपर रख के सोचे। हम पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान सोगवा रहे हैं, इस फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। इस वीडियो को भी शेयर करें और हुकूमत के जो भी अरकान हैं, जिनके हाथ में भी अख्तियारात हैं, इनकी जो भी मदद हो सकती है, कानूनी मदद होनी चाहिए। इनका बच्चा वापस नहीं आ सकता, वो जो एक रात की ब्याही दुल्हन बेवा हो गई उसका दुख कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन एक कयामत है। अपने ऊपर रख के सोचिए और इस वीडियो को भी शेयर करें और इन मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करें।